देखिए, हमारे प्रत्याशी जयंती दासपुर गांव में थे, महिला कार्यकर्ता भी थी, बिंद समाज के हमारे कार्यकर्ता जिनके यहाँ कार्यक्रम था, वहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के आए गुंडे, उनने बदतमीजियाँ की, जो महिला कार्यकर्ता थे उनके साथ बदतमीजी की गई, फ़ोन तोड़ा गया, प्रत्याशी के साथ भी हत्यापाई की गई। पहले भी एक हमारे प्रत्याशी हैं पासी जी, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई। ये दूसरी घटना, एक टेरर का माहौल जनपद में पैदा किया जा रहा है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके घर पर जाके इस तरह का घटना करना, तो ये तो दर्शाता है कि चुनाव में भी इसी तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो प्रत्याशी के पास कोई चारा नहीं था कि वो थाने आए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वकील हैं, और उनके साथ इस तरह की जो घटना की गई है, सख्त कार्रवाई हो, यही हम सब लोग चाहते हैं। ऐसी कार्रवाई हो कि चुनाव शांतिपूर्वक हो, लोग अपने मताधिकार का बिल्कुल निर्भीक तरीके से पालन कर सकें, कोई डर भय का वातावरण नहीं पैदा किया जाए। 40-40 गाड़ियां लेकर उम्मीदवार चल रहे हैं, जो मुझे बताया गया उम्मीदवार के द्वारा, विपक्ष की पार्टी के, तो इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करे। क्या लगता है जिस तरीके से ये घटना हो रही है, समाजवादी कार्यकर्ता, तो इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है? इसी नज़रिए से देखता हूँ कि डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं गाजीपुर जनपद में, कि जिससे जो भले अच्छे शरीफ लोग हैं या कमज़ोर वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट कर रहा है, कि उनमें डर का वातावरण पैदा किया जाए, यही चाहते हैं लोग। आचार संहिता लागू और पुलिस जो है दावा करे कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है आम आदमी को, ऐसे में प्रत्याशी भी सुरक्षित नहीं है, क्या कहते? मैं यही कहूँगा, पुलिस के दावे पर मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो पहले दो प्रत्याशियों के साथ हो चुकी है अगर जनपद में इस तरह की घटना, तो पुलिस कैसे दावा कर सकती है? पुलिस कार्रवाई करे, उसके बाद दावा करे, कार्रवाई करके दिखाए इस मामले में हमें। सर, क्या माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हताश हो गई और इस तरह कार्य फूकने? मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें अपने वोटर्स पर भरोसा नहीं है, उन्हें जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। वो अभी विपक्ष में हैं तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो इनका असली चरित्र अब उजागर हुआ है कि किस तरह का माहौल ये प्रदेश में और गाजीपुर जनपद में पहले इन्होंने किस तरह का माहौल किया और किस तरह का माहौल ये आगे करेंगे। ये जनता का निर्णय लेने का समय है कि ऐसे लोगों को हम सरकार में लेना चाहते हैं जो सरकार में आने से पहले गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जनता को निर्णय लेना है कि किस तरह की व्यवस्था आगे होनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या होगी सर? देखिए, अभी सबसे बात करेंगे, अभी तहरीर लिख के दी जाएगी, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, और हम चाहेंगे कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और जिससे कि निष्पक्ष चुनाव गाजीपुर जनपद में हो सके। धरने बैठे थे, क्या मामला? देखिए, आज जगदीपुर थाने गांव पड़ता है जयंती दास, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। उसी समय सर कुछ व्यक्ति, कुछ लड़के मोटरसाइकिल पर आ गए, उनका धक्का मुक्की की गया था, अभद्रता की जरा गया। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता द्वारा जरा तहरीर दी गई, तहरीर रैली हुई, तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है, उस पर विधिक कार्रवाई कर लिया। सर, गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2-3 घंटे तक क्या क्या है, जैसे पूरा मामला क्या है, इन लोगों का क्या था? बता दिया जा रहा है कि दो व्यक्ति आए, कुछ लोग, उनके द्वारा अभद्रता की गई, मारपीट की गई, मेरी धक्का मुक्की गई, उसने दिया उन्होंने तहरीर मिल चुकी है, मुकदमा बनने के द्वारा आगे मेरी कारण बच गया।